अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक और मज़े में होंगे। आज यार मेरे कुछ बजट जो है ना वो जा रहे हैं, मेरे कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा बजट जा रहे हैं। उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या रीज़न है। सबसे पहले जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बजट प्रॉपर बिल्कुल ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना वो सेटअप काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और एक दोस्त को मैंने आप लोगों को याद होगा कि अपना जो है ना वो पिंजरा गिफ्ट किया था, दो पिंजरे लेके आया था बड़े, उसमें से एक मैंने अपने दोस्त को दे दिया था। वो पैरट या कोई भी बर्ड लेके नहीं आया था, मुझे कह रहा था पिंजरा दे दिया तो बर्ड भी अब दे। तो मैंने सोचा इसमें से आधे से ज़्यादा जो है ना वो हम ये बर्ड्स पैरट्स जो है ना अपने उसको दे देंगे और बाकी नेस्टिंग जो बॉक्स है ना उनके, यार मैंने बॉक्स खोल दिए। लास्ट आपको याद है कि उसमें एक बच्चा मर गया था और बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई थी और यहाँ पे बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं है, हवा वो नहीं आती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल भर जाती है। और कुछ बर्ड्स उसको देने की रीज़न भी यही है कि मैं पता क्या करूँगा, बाकी जो बचेंगे ना हम उनको बाहर वाली साइड पर जहाँ पर मेरे दूसरे बर्ड्स हैं ना वहाँ पर सारे हम अपने जो है ना वो बर्ड शिफ्ट कर देंगे। यार वो देखो सामने करके ना ये अंडा पड़ा हुआ है, वो उसके ऊपर मेरा ख्याल है इधर ही बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मेल है, मुझे कन्फर्म है, क्योंकि वो शायद इस वाली फीमेल का जो है ना वो मेल है। तो बाकी यहाँ पे हमारे पास दो बच्चे जो है ना वो अपने अपने बॉक्स से बाहर आ गए हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो दाना खाने लग पड़े हैं। एक ये बैठा हुआ है और एक ये बैठा हुआ है, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दाना जो है ना खुद खा रहे हैं। एक ये वाइट वाला भी, ये सामने कुछ इस बॉक्स में से निकले हैं, कुछ इस बॉक्स में से निकले हैं, मतलब ये बॉक्स नहीं है कुछ जो में से निकले हैं। यार अब हम चलते हैं बाहर अपने दूसरे बर्ड्स की तरफ, ग्रीन पैरट की तरफ जो है ना वो मैंने टमाटर डाला था, ये पड़ा हुआ, सॉरी टमाटर, टमाटर पकड़ लें, दाना यार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो टमाटर इसको ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। टमाटर का एक ये फ़ायदा है कि इनका जो है ना इनमें हर विटामिन डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ए यहाँ पर लटक के लटका देता हूँ, ये बड़ा यहाँ, चलो जी यहाँ पर ये टमाटर लगा दिया, आ जाओ जी आ गया तुम्हारा दाना कह रहा हूँ, सॉरी टमाटर तुम्हारे लिए रख दिया, आ जाओ खा लो। हैं टैं 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 करने के अलावा तो नियमित भी कर लिया करो। ये कितना शोर पा रहे हैं यार। अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ यार, नहीं बैठता मैं यहाँ पे, तुम्हें नहीं पसंद तो मैं नहीं बैठता यार। बाकी यार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना मैंने ये सारे नेस्टिंग बॉक्स के जो है ना वो दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि कल आपको याद है एक बच्चा मर गया था और कुछ पहले बच्चे मर गए थे, तो मुझे फील हो रहा था कि गर्मी की वजह से जो है ना ये सब कुछ हो रहा है। तो ये कम से कम इनका दरवाजे खोल देते हैं ताकि हवा रहे अंदर। अभी ना मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था इन दोनों को, ये एक दूसरे को ना खुद ही खाना खिला रहे थे, मतलब एक दूसरे को ना दाना खिला रहे थे। उसके बाद फीमेल पता ही करती है, जब मेल फीमेल को दाना खिला देता है तो फीमेल जाके जो है ना वो बच्चों को दाना खिलाती है। तो ये बड़ी एक मज़े की बात है यार। इसी तरह यहाँ पे भी जो है ना वो मैंने नेस्टिंग बॉक्स के सारे दरवाजे खोल दिए, इसका भी खोल दिया, इसका भी खोल दिया, हवा जितनी लगेगी उतना बेहतर रहेंगे। बस मुझे डर ये था कि कहीं दोबारा कोई और एक्सपायर ना हो जाए, इसलिए जो है ना वो मैंने ये दरवाज़ा खोल दिया। जब एक्सपायर होते हैं ना यार तो फिर दिल ही दुख होता है, आप लोगों को भी पता है। इतना वेट करने के बाद भी हमें कोई ना कोई बर्ड जब मरता है या एक्सपायर होता है तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मैंने जो आप लोगों को प्लान बताया था ना अपने बजट का कि उनको मैं बाहर शिफ्ट करूँगा, अब वो प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये प्लान मेरा ठीक है कि नहीं ठीक। ये देखें यहाँ पे जो है ना हमारे पास इस साइड पे ये इतनी स्पेस जो है ना वो खाली हो गई है। पहले यहाँ पे मैंने अपने जो है ना वो केज रखे हुए थे, इधर भी, तो यहाँ से केज हटा के सिर्फ एक ये बड़ा केज रख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो ना लकड़ी का बनाया या लोहे का इसी तरह का बड़ा सा एक केज ना यहाँ पे ला के रख लेते हैं, उसमें अपने जितने हमारे पास बजेस बचेंगे ना वो यहाँ पे रख लेंगे। और दूसरा हमारे जो अंदर कमरे वाली साइड है ना वहाँ पे स्मेल हो जाती है बहुत ज़्यादा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बिल्कुल भी वो हवादार नहीं, और वो भी हवस में ना बेचारे घुटते रहते हैं। तो बेहतर उनके लिए यही है कि उनको जो है ना वो यहाँ पे ले जाऊँ कि ना ले आऊँ, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप बाकी बर्ड्स मेरे बिल्कुल ठीक हैं, ये बिल्कुल भी जो है ना फिंचेस अंडों पे नहीं बैठ रही, मुझे लग रहा था आज बैठेगी कल बैठेगी परसों बैठेगी, दो तीन दफ़ा मैंने आपको दिखाया भी है, लेकिन ये स्टिल अभी तक अपने अंडों पे नहीं बैठ रही। चार के चार अंडे जो है ना अपने ज़ाया कर दिए हुए हैं इसने, पता नहीं ये बैठती है रात को बैठती है दिन को बैठती है, मैंने तो इसको जब देखा ये ऐसे ही होती हैं। और इन्होंने अभी तक ये देखें बजिस वाला एरिया ना ये एरिया इनको यहाँ पे मैंने ये छोटा सा एक वॉशरूम टाइप सा बनाया हुआ था, लेकिन वो यूज़ में नहीं लाए क्योंकि ये सीढ़ियों के नीचे था, अजीब लग रहा था थोड़ा सा। तो ये मेरा रूम है, यहाँ पे जो है ना इनकी सारी स्मेल यहाँ पे आ जाती है, जैसे कोई बच्चा मरता है तो स्मेल हो जाती है। और वैसे भी यहाँ पे बिल्कुल भी हवादार नहीं है, ये जाली जो है ना ये जाली टाइप क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं यार, इसका मेरे जहन में नहीं आ रहा। ये लगाने की रीज़न भी यही थी कि चलो ये दरवाज़ा हम कम से कम खोल देंगे और यहाँ से हवा जो है ना वो अंदर जाती रहेगी, हवा जाने से ये है कि परेशान नहीं होंगे, कोई बर्ड हमारा मरेगा नहीं। आपको पता है हबस में बर्ड बिल्कुल भी शौक से नहीं रहते। वो देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि दाना खाते हैं, वो एक छोटे वाला जो है वो दाना खा रहा है, माशाल्लाह।
ये पड़ी हुई है मछली की फीड। मछली को भी यार थोड़ा सा डाल देते हैं, खाती खुती तो है नहीं है वो, लेकिन फिर भी डाल देते हैं, शायद हो सकता है हमारे सामने ना खाती हो। लेकिन मैं जब भी इसका पानी पूरी साफ करता हूँ ना, तो वो जितने भी दाने मैंने डाले होते हैं ना, वो उसके अंदर स्टिल वैसे ही पड़े थे, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए जो है ना उनको फिर भी ये डाल देता हूँ यार। हाँ जी बीटा फिश, क्या हाल है, ठीक हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, दोबारा टब में जाने को दिल तो नहीं कर रहा? इसको मैंने ना कुछ दिन पहले टब में डाला था, तो वहाँ पे भी ये अजीब सा बिहेव कर रही थी, मतलब खुश नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको दोबारा यहीं पे डाल दिया। और वैसे भी इसको थोड़ी देर के लिए वहाँ पे शिफ्ट किया था, लेकिन अब जो है ना जब से यहाँ पे आई है ना, एक जगह पे स्टक बैठी रहती है, हिलती नहीं है। मुझे लगता है अभी फील कर रही है कि दोबारा वहाँ पे जाएं। चले कुछ देर तक तुम्हें, कुछ दिन तक, देर तक नहीं कुछ दिन, ओए ये देखो कितना दाना ज़ाया हो गया। सिर्फ एक दो दाने डालने होते हैं, आपने फिशेज रखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि कितने दाने डालते हैं, ये बस इतने से दाने बहुत हैं। बाकी यार रियली सॉरी, मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि इसके लिए जो है ना मैं वो लेके आऊँगा बीटा फिश फीमेल, ये मेल है सॉरी, तो बस कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, इनकी वजह से मैं जा नहीं पा रहा यार, वो ला नहीं पा रहा। इंशाल्लाह वेरी सून मैं ले आऊँगा। क्यूट सा एक यहाँ पर ये बनाया था और एक यहाँ पर ये बनाया था, ये भी बड़ा क्यूट सा लग रहा है। अब जो है ना वो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने दोस्त का, वो जैसे ही आता है ना तो फिर उसको बजीज जो है ना वो डाल के दे देंगे। कल वाली वीडियो में या परसों वाली वीडियो में आप लोगों को जो है ना देखने को मिलेगा। तो यहीं पे जो है ना वो वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब मस्ट है, मुझे दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।